जिसका बेसब्री से इंतजार था। बीजेपी की सूची तो आ चुकी थी, लेकिन राजनीतिक रूप से सरगर्मियां टिकट घोषित ना के बाद बनती हैं, वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मध्य प्रदेश के 144 और छत्तीसगढ़ के 30 नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं और क्या विश्लेषण है, किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, ये सब जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे चैनल हेड मोहित साहू जी का, जो कि बताएंगे कि किस तरीके के समीकरण मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाकर चुनाव जीतना चाहती है और छत्तीसगढ़ में किस तरीके की रणनीति इस टिकटों के जरिए कांग्रेस ने दिखाई है जिससे उनकी सरकार बरकरार रहे। बस्तर की सीटें ज्यादा है, इसलिए खास तवज्जो रहेंगी इन सीटों पर, क्योंकि बस्तर में जीतने वाला ही सत्ता की चाबी हासिल करता है। सीधे हम रुख करेंगे मोहित साहू जी की ओर, जो कि हमारे चैनल हेड है, ज्यादा अच्छे से विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे। मोहित साहू जी, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल मोहन, मैं रेडी हूँ, बताएं आप जी, प्रश्न करिए। देखिए हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लगातार सूची भी दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके के रणनीति के साथ कांग्रेस उतर रही है। देर आई है, दुरुस्त आई है, सूची लेट आई है, लेकिन सूची अब आ चुकी है। आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है दोनों प्रदेशों की सूची को देखकर? निश्चित रूप से मोहन, मैं बताना चाहूंगा, बहुत बहुत प्रतीक्षित सूची है कांग्रेस के। लगातार ये जो कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस पे मंथन करते रही, कार्यकर्ता भी काफी समय से इंतजार करते रहे कि कब कांग्रेस और भाजपा की लिस्ट आई। लेकिन इस मामले में अगर हम बात करें तो भाजपा ने पहली अपनी लिस्ट जारी कर दी थी और साथ ही कांग्रेस जो काफी समय से, चूंकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, कांग्रेस में अभी सत्ता पर कांग्रेस थी, तो निश्चित रूप से दोबारा से उन्हें जीत कर आना और फिर से सरकार बनाना एक कठिन चुनौती के रूप को देखते हुए उन्होंने काफी लेट से अपना जो है वो कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित किया। और काफी समय से ये भी चल रहा था कि कब घोषित होगी, कब घोषित होगी, लगातार तीन तीन बैठ के बड़े केंद्रीय नेतृत्व लगातार बुलाए जा रहे थे। लगातार भूपेश बघेल, दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दौरे पे थे लगातार दिल्ली के। बड़े मंथन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो लिस्ट है वो आज जारी की गई और बेहद शुभ मुहूर्त पे जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि सत्ता, चाहे वो धर्म के रूप से भी हो और वैसे भी अगर चाहे, क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्र का, तो निश्चित रूप से वो चाह रहे थे कि कुछ अच्छा शुभ हो। इसलिए सुबह ही आज आंख खुलते ही लोगों को यही चीज देखने मिली कि लिस्ट जो है वो आज कांग्रेस की जारी कर दी गई। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आज कांग्रेस की जो है छत्तीसगढ़ से 30 प्रत्याशियों की जो है वो लिस्ट जारी की है, जिसमें अगर हम बात करें बड़ी सीटों में से, तो सीतापुर से अगर हम शुरू करते हैं तो अमरजीत भगत जो अभी सीतापुर से कांग्रेस ने फिर से जो अभी संस्कृति और संस्कृति मंत्री है, खाद्य मंत्री है, बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ का, काफी समय से वो जीतते, लगातार 4 बार के विधायक रहे हैं कांग्रेस से। उनके अगर हम बात करें भाजपा से, तो उनके अगेंस्ट में अनुसूचित जनजाति सीट है, राम कुमार टोप्पो है भाजपा से। निश्चित रूप से इस बार बदलाव की स्थिति को देखते हुए भाजपा भी टिकट जो है प्रत्याशी अपने तय किए हैं। तो निश्चित रूप से हम अगर बात करें अंबिकापुर सरगुजा जो क्षेत्र है, वहां से एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा उलटफेर भी भविष्य में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार वहां पर अमरजीत भगत अपना काम करते रहे हैं, लोगों के बीच में काफी उनकी अच्छी साख है और लोगों से लगातार अच्छा उनका मिलता जुलता रहा है और बड़ा चेहरा है बड़े अमरजीत भगत। तो निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा सामने आएगा। उसके बाद करें तो विधानसभा क्रमांक 33 अकलतरा सौरभ की बात करें तो भाजपा से सौरभ का है, और उसके अलावा एक बात करें यहाँ पर 18 नंबर सीट खरसिया की, तो खरसिया से अगर हम बात करें, एक मिनट मोहन, मैं आपको बताना चाहूंगा लिस्ट मेरे हाथ में है, तो 18 नंबर हालांकि भाजपा ने घोषित नहीं किया है, लेकिन 18 नंबर जो विधानसभा क्रमांक है सीतापुर से अमरजीत भगत, उसके बाद 11 नंबर था सीतापुर का, 18 नंबर खरसिया उमेश पटेल जो विधायक हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें इस बार फिर से उन पर दाव खेला गया है, फिर से टिकट दिया गया है उन्हें। और कोरबा से बात करें तो जय सिंह अग्रवाल को दिया गया, लेकिन भाजपा ने वहां पर अभी प्रत्याशी अपना घोषित नहीं किया। शक्ति से बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत इस बार फिर से शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने वहां पर अपने प्रत्याशी तय नहीं किया। वही अगर हम आरंग की बात करें, 52 नंबर विधानसभा क्रमांक, तो डॉक्टर शिव कुमार डहरिया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार उनके विरोध में होंगे भाजपा के। अगर बड़ा चेहरा बात करें तो भाजपा से वहां पर अभी खुशवंत जो
सतनाम समाज के गुरु भी हैं वो उनके रहेंगे, क्योंकि बड़ा चेहरा सामने है खुशवंत सिंह और सतनाम समाज के अध्यक्ष भी हैं भाजपा के, तो निश्चित रूप से, और वर्तमान में विधायक भी और मंत्री भी हैं शिव डहरिया, तो एक अच्छा वहां पर भी दांव पेच देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 60 नंबर विधानसभा क्रमांक डोंडी लहारा, तो फिर से अनिला भेड़िया जो समाज कल्याण मंत्री, उन्हें टिकट दिया गया है, और भाजपा से अगर बात करें तो भाजपा का अभी तक से वहां पर कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहां से दुर्ग ग्रामीण पाटन की बात करें, पाटन में भी अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर इस बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगर बात करें भाजपा से तो विजय बघेल जी जो पहली लिस्ट में भी जिनका नाम आ गया था, वो अपने स्तर से तैयारी करें, और चूंकि मुख्यमंत्री खुद अपने क्षेत्र के हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा घमासान वहां पर देखने को मिलेगा। और चूंकि वो दोनों हम बात करें कि खुद भी एक रिलेशन में है, एक खुद संबंधी भी है, तो निश्चित रूप से, और काफी समय से विजय बघेल जी जो है वो लगातार वहां काम करते रहे भाजपा से, और एक बड़ा जो अगर हम देखें फैक्टर वहां पर, चूंकि लगातार उस क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बड़ा काम भी किए हैं, और रायपुर से पाटन तक भी बात करें, राजधानी रायपुर से पाटन तक ने, पाटन तक से उन्होंने पूरा सौंदर्यीकरण और पूरा इतना बदलाव कर दिया है कि पाटन के लोगों को बड़ी सुविधा और तमाम चीजें जो है वो मिल गई है। तो ये एक बड़ा फैक्टर भी होगा कि चूंकि बहुत ज्यादा अभी कांग्रेस सत्ता में है तो निश्चित रूप से खूब काम की है, चाहे प्रदेश की जनता के लिए हो, किसानों के लिए हो, बड़े चाहे अगर बड़ी बड़ी योजना है उसके लिए काम की हो, तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी ने बड़ा काम किया है। और अगर बात करें साझा की, तो एक बड़ा 68 नंबर जो विधानसभा क्षेत्र है, रविंद्र चौबे दोबारा से जो कृषि मंत्री है वर्तमान में, उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर नवागढ़ से बात करें, गुरु रुद्र कुमार, इस बार बड़ा बदलाव किया गया, रुद्र कुमार को नवागढ़ से चुनाव लड़ने दिया जा रहा है, जो सतनाम समाज के भी गुरु है छत्तीसगढ़ में। तो वही अगर बात करें पंडरिया से नीलकंठ चंद्रवंशी, कवर्धा से मोहम्मद अकबर जो वन मंत्री है, उन्हें इस बार टिकट दिया गया है। और साथ ही अगर बात करें खैरागढ़ से, तो यशोदा वर्मा, एक खैरागढ़ से यशोदा वर्मा एक नया नाम सामने भी, वर्तमान विधायक भी अगर हम बात करें तो है ही विधायक वहां पर। और डोंगरगढ़ से बात करें हर्षिता स्वामी बघेल, एक ये नया एक चेहरा अभी डोंगरगढ़ से आया, राजनांदगांव से गिरीश देवांगन भी एक बड़ा नाम आया है और अभी कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त है वो, तो निश्चित रूप से एक डोंगरगढ़ में रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन जी को उतारा गया है, तो एक बड़ा वहां पर भी दांव पेच हो जाए ऐसा अनुमान लगाकर कांग्रेस ने वहां पर टिकट दिया है। मोहित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरी सूची में दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, एक तो अपने अध्यक्ष को चुनाव मैदान में उतारना, दीपक बैज चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा रमन सिंह के खिलाफ वहां पर कई लोग दावेदार थे लेकिन गिरीश देवांगन रहने वाले खरोरा के मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनको वहां भेजा जाना, क्या समीकरण देखते हैं इन दोनों बातों को लेकर कि दीपक बैज भी उतर रहे हैं मैदान में गिरीश देवांगन रमन सिंह के खिलाफ? बिल्कुल मोहन, आपने बिल्कुल सही बात कही। और एक हम अगर दीपक बैज की बात करें, चित्रकूट बस्तर का जो क्षेत्र है, चित्रकूट में लगातार दीपक बैज जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, एक बड़ा चेहरा है, युवा है, लगातार अपने जनता के बीच में जाते रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे चाहे वो लोकसभा में भी उठाते रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में उन्हें कांग्रेस जो पार्टी उनमें दाव खेली कि वो अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त भी दिया गया, और इन 6-8 महीनों की भी बात करें तो उन्होंने बड़े बयान भी दिए, लगातार जो कार्यकर्ता है उनसे मिलकर रहे, जुटते रहे, जुटाते रहे, कार्यकर्ता को समेटने का काम किया ताकि एकजुटता रहे। तो एक बड़ा चेहरा अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी नहीं चाहती कि एक सीट भी कहीं से खोए, इसलिए वो जितने बड़े नेता हैं, जितने कद्दावर नेता हैं, उन पर उन्होंने दाव खेला है चित्रकूट से दोबारा, इसलिए दीपक को एक भी सीट अगर खोती है इससे काफी नुकसान होने के भी आशंका है, क्योंकि भाजपा भी कहीं से भी नहीं चाहती कि भाजपा जो है वो एक भी सीट खोए। तो निश्चित रूप से बड़ा दाव पेच, बड़ा खेल इस बार बड़े इस विधानसभा में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें गिरीश देवांगन की, जो खरोड़ा के रहने वाले हैं और सीएम के काफी करीबी माने जाते हैं, और रमन सिंह जी के खिलाफ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे 15 साल सत्ता में
मुख्यमंत्री रहे, जो पूरा एक चेहरा रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के, और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ गिरीश देवांगन को उठा रहा, और काफी सारे जो बड़े कैंडिडेट है वो वहां से रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से एक कांग्रेस की अपनी एक सोच है, एक धारा है, वो चाह रहे थे कि वहां से कैसे भी एक हम अच्छे कैंडिडेट को जो है, क्योंकि गिरीश देवांगन की बात करें बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ के लिए, कैबिनेट मंत्री भी है और करीब सीएम साहब के करीबी भी है, तो निश्चित रूप से एक बड़े चेहरे को उतारने का ये है कि सीएम साहब के कम से कम जो पूर्व सीएम है उनके बराबर या उनके बराबर के चेहरे हो, जिनसे एक जो अगर टॉप पेज होता है या जैसे भी वोट के प्रतिशत होता है और जो भी जीत हार का तय होता है, लेकिन इतना तो रहे कि कोई भी जीते कोई भी हारे इसमें बराबर की जो है वो वहां पर स्थिति देखने को मिले, इसलिए वहां पर गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से टिकट दिया गया और दावेदारी दी गई है कांग्रेस से। जी मोहन, ठीक है, तो जैसा कि हमारे चैनल हेड बता रहे हैं कि काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, कांग्रेस भी काफी रणनीति बनाकर अपने टिकटों को घोषित की है, हालांकि एक नाम अभी भी बाकी है, उसका भी जवाब हम मोहित जी से लेने की कोशिश करेंगे। जगदलपुर वो सीट जो कि हॉट सीट है, शहरी इलाका है, बस्तर में वही सीट सामान्य के लिए आरक्षित भी है, वहां पर अभी तक कांग्रेस नाम तय नहीं कर पाई है। मोहित जी, क्या लगता है, क्या कोई अड़चन है, कोई पसोपेश है, गुटी राजनीति की वजह से हो रहा है, क्यों जगदलपुर की टिकट अभी तक कांग्रेस घोषित नहीं कर पाई है? मैं बताना चाहूंगा मोहन, चूंकि छत्तीसगढ़ में दो बार में सात तारीख और 17 तारीख को चुनाव होने, तो पहला जो चुनाव होना है वो 7 तारीख को मतदान होने हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जगदलपुर की सीट बस्तर का मुख्यालय है, बस्तर का मुख्यालय होने की वजह से एक तो राजनीतिक उठापटक इतनी ज्यादा होती है, इतनी समीकरण होते हैं, इतने गुटबाजी होते हैं कि जगदलपुर में अगर हम बात करें तो वर्तमान में विधायक है कांग्रेस से रेखचंद जैन, इसके अलावा वहां पर बात करें मलकीत गैदू, इसके अलावा बात करें अजय सिंह, इसके अलावा बात करें काफी बड़े नाम है वहां पर कांग्रेस के लिए, तो निश्चित रूप से वहां पर कांग्रेस को एक दावेदार या एक प्रत्याशी घोषित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए वहां पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। अगर जगदलपुर से अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जगदलपुर से एक मिनट मैं नाम बताना चाहूंगा, हेलो, हाँ, तो जगदलपुर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जगदलपुर से भाजपा ने एक मिनट, हेलो, ठीक है, तो जी ठीक है, बीजेपी ने तो अपने नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस पसोपेश में है और इसीलिए शायद नाम घोषित नहीं हो पाए हैं। एक बार फिर से आपके पास रुक करेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे साथ हमारे दुर्ग के संवाददाता भी जुड़ गए हैं, तो उनसे बात करते हैं और उसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि ये जो सीटें हैं ये वो सीटें हैं जहां पर पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं, उनमें 20 में से 19 सीटें कांग्रेस ने घोषित कर दी हैं, एक सीट को रोक कर रखा।